देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार, मैं हूं प्राची तिवारी और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज की खास पेशकश रणनीति मसाला। आज जब हम नेता मंत्रियों को कहीं आते जाते देखते हैं तो उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम और बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला दिखाई देता है, मगर रणनीति मसाला में आज बात उस मुख्यमंत्री की जो इतने सरल और सादगी पसंद थे कि एक बार वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर रिक्शा लेकर अकेले ही घर चले गए थे। जी हाँ, उन मुख्यमंत्री का नाम है राम नरेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भले ही यादव परिवार का वर्चस्व है, लेकिन पहले मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि एक जिद्दी राजनेता राम नरेश यादव का नाम हुआ करता था। राम नरेश यादव को मुलायम यादव से भी बड़ा नेता उस वक्त माना जाता था। राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव आंधीपुर में एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। इनका बचपन खेत खलियानों से होकर ही गुजरा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा आजमगढ़ के मशहूर वेस्ली हाई स्कूल से ली। इंटरमीडिएट डीएबी कॉलेज वाराणसी से तो बीए, एमए और एलएलबी की डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ली। राम नरेश यादव ने छात्र जीवन से ही समाजवादी आंदोलन में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी, इसलिए शुरू से ही उनका राजनीति की तरफ काफी रुझान रहा। 1977 की बात है जब उपचुनाव में राम नरेश भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 70 के दशक में राम नरेश यादव किसानों के नेता के तौर पर बड़े स्तर पर उभरे थे, इसलिए 1977 में चौधरी चरण सिंह ने लगातार 3 बार विधायक रहे मुलायम सिंह यादव को नजरअंदाज कर राम नरेश को मुख्यमंत्री बना दिया था। चरण सिंह राम नरेश यादव को लंबी रेस का घोड़ा मानते थे। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मोहसिना किदवई ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बुरी तरह से हरा दिया। ये जीत इंदिरा गांधी की जीत थी। उस वक्त मानो इंदिरा गांधी की देश में आंधी चल चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि इंदिरा की आंधी के आगे अब भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी। ये वो दौर था जब मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की ये स्थिति हो गई थी कि लोग उनसे कहा करते थे कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। ये वो दौर था जब जाति को लेकर ही व्यक्ति की पहचान की जाती थी, जिस वजह से आजमगढ़ उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद दुखी होकर राम नरेश यादव को दबाव में आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देकर उस दिन वो चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे एक रिक्शे में बैठकर अकेले ही घर चले गए। आजमगढ़ की हार चौधरी चरण सिंह के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी, जिसने राम नरेश यादव से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। आजमगढ़ की हार ने चौधरी चरण सिंह को ये भी एहसास कराया कि मुलायम सिंह की अनदेखी कर राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना उनकी बड़ी भूल थी। इसके बाद वो बनारसी दास के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 17 फरवरी 1980 को उनकी ये कुर्सी भी चली गई। राम नरेश 1988 में राज्यसभा सदस्य बने, मगर 12 अप्रैल 1989 को राज्यसभा के अंदर उपनेता, पार्टी के महामंत्री और अन्य पदों से त्यागपत्र देकर उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। राम नरेश ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की, लेकिन बाद में राजनीतिक उथल पुथल की वजह से उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आखिर 22 नवंबर 2016 को उनका निधन हो गया। तो रणनीति मसाला में आज हमने बात की राम नरेश यादव की। ऐसे ही गुजरे जमाने के और दिलचस्प राजनीतिक किस्से लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।